this is a very sensitive case i'm referring to the detention of uh, some of our ex servicemen in qatar we our ambassador senior officials have been uh, in continuous touch with the qatari government on this our effort is obviously uh, to ensure that uh, they are not treated unfairly uh, and that uh, if they, the sooner we can bring them back home so uh, I can I assure you that they are very much very very uh, strongly in our uh, priorities. वेलकम टू खानसेशन मैं आपका होस्ट आपका दोस्त मुख्तर खान आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर डिप्लोमेटिक मसले पर बात करूंगा ये जो ख़बर आई है कि ख़तर की गवर्नमेंट ने आठ हिंदुस्तानियों को सजाए मौत दे दी है जासूसी करने के लिए इसराइल के तरफ से और ये सारे के सारे ना सिर्फ हिंदुस्तानी है बट इंडियन वेटरंस है जो इंडिया की नेवी में काम कर चुके हैं काफ़ी सेलिब्रेटेड है उनमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्हें है, एन आर आई के अवॉर्ड वगैरह मिल चुके हैं सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल फ्राम इंडिया और ये बात खास तौर से हमको याद रखना चाहिए कि जो वेटरन्स होते हैं उनकी अहमियत जरा ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी मुल्क की सेवा में गुजार दी होती है पच्चीस तीस साल और वो ऐसी सर्विस होती है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है सो so, जो वेदर आप एयरफोर्स में हो आर्मी में हो नेवी में हो पुलिस में भी हो कुछ हद तक तो ये पब्लिक सर्विस की जरा ज़्यादा अहमियत है बनस्बत वेदर है। पब्लिक सेक्टर में अगर आप कोई अकाउंटेंट हो या इवन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो उससे ज़्यादा मेरी नज़र में फौजियों की और जो सिक्योरिटी के फोर्सेस हैं उनकी सर्विस क्योंकि उनमें जा, जान का जोखिम भी होता है तो इससे पहले कि मैं डिटेल्स में जाऊं ये इम्पोर्टेंट क्यों है बताऊंगा और उसके जो चंद पे, पेचीदगियाँ हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और फिर मीडिया में मैं देख रहा हूं कि आ, कुछ आ, सोशल मीडिया पे जिस तरह के बातें हो रही हैं थोड़ी गलत हैं उसे भी शायद मैं कोशिश करूंगा कि डिबंक कर दूँ इससे पहले आप लोग जिन्होंने कानवर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कानवर्सीशन को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके ताल्लुक से और अगर आप कानवर्सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके मेंबर भी बन सकते हैं मेंबर का जो बटन है वो ज्वाइन के बटन के बिल्कुल बाजू है तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि वाह क्या है तकरीबन डेढ़ साल पहले तकरीबन डेढ़ साल पहले आ, ये खबर आई थी कि अचानक से आठ इंडियन एक्स नेवी पर्सनल जो खतर में काम कर रहे थे उन्हें खतरी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको आ, 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 अलग से कर दिया है और वो फैमिली के लिए रीच नहीं कर सक रहे उनके फैमिली वगैरह इंडिया में जो हैं वो परेशान वगैरह थे तो डिटेल्स बाद में पता चला कि ये एक ओमानी कंपनी के लिए काम करते थे ओमानी कंपनी जो नेवी कंसल्टिंग करती थी वहाँ पे कुछ ये ट्रेनिंग दे रहे थे कतरी नेवी को कुछ चीजें बना रही थी वो कंपनी तो बेसिकली इट वाज़ नेवी डिफेंस कंसल्टिंग कंपनी ओन्ड बाय एन ओमानी सिटीजन और उसमें तकरीबन 75 फाइव इंडियंस फॉर्मर नेवी के लोग काम करते हैं या सेवेंटी फाइव है जिसमें कई इंडियंस हैं और उसमें से आठ इंडियंस को अरेस्ट कर लिया गया और ये आठ इंडियंस को बाद में पता चला इनको जब कॉन्सुलर एक्सेस मिला इंडियन एम्बेसी के लोग उनसे जाके मिले वगैरह तो उससे पत में पता चला बेसिकली कि उन पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जो ख़तर का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो इटली और जर्मनी के साथ मिलकर है वो प्रोजेक्ट ये है कि वो छोटे मिनी सबमरीन बना रहे हैं जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है यानी वो रेडार से उतनी आसानी से नजर नहीं आएगा तो तो उस सबमरीन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं या डिटेल्स हैं इन आठ लोगों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये इंटेलिजेंस इसराइल के साथ शेयर की है अब हमको तफसीत इससे ज्यादा नहीं पता कि ये पकड़े कैसा गए मतलब हाउ डू वी नो कि इन्होंने वाकई में ये इंटेलिजेंस इसराइल को पास ऑन किया आ, क्या ये इन्होंने ये इंटेलिजेंस इंडियन इंटेलिजेंस को दी रॉ को दी फिर रॉ ने उसे इसराइल के साथ शेयर किया इस तरह के कोई हमारे पास डिटेल्स नहीं है मुश्किल है इस तरह के केसेस क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का ताल्लुक होता है यूजुअली ये बिहाइंड द सीन्स होते हैं और क्योंकि फॉरेन स्पाइस इसमें इन्वॉल्व हैं इंडिया के इसलिए हमको पता चल रहा है कि और क्योंकि ये जो सजा दी गई है वो इतनी सी है और सीरियस है कि इट इज़ अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ अटेंशन अगर इनको चार साल पाँच साल की सजा होती तो शायद ये हेडलाइंस भी नहीं आ, अचीव करते तो तो इससे ज़्यादा हमको पता नहीं है कि क्या कैसा रिलीज़ किया कैसा पकड़े गए दोज आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स और मेरे ख्याल से ये इंडियन एम्बेसी और इंडियन काउंसलर सर्विसेज जो उनसे बात कर रहे हैं उनकी मदद करने की कोशिश की है शुरू में उनको शायद ये इतला हो और जो इंडियन गवर्नमेंट डिप्लोमेट्स जो अब कतरी डिप्लो के साथ जो बात कर रहे हैं उससे तो अब इतला आई है कि अब जो इतला आई रिसेंटली के उनको आर्ट को आर्ट को ये फर्स्ट केस फर्स्ट कोर्ट है इस पे अपील्स भी हैं अपील्स कोर्ट है एंड इट विल गो मेरा तो असेसमेंट ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बाद इंडिया की गवर्नमेंट के जो प्रेशर डालेंगे फतर के ऊपर हो सकता कि इंडिया विल आल्सो रीच टू अदर एलाइज वो भी शायद कतर से बात करें तो उसके बाद अल्टीमेटली ये होने वाला है या तो इनकी सजा कम हो जाएगी चंद साल की सजा मिलेगी और हो सकता है वो सजा वो इंडिया में काटें या इनको माफ भी कर दे अमीर इफ सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए इंडियन गवर्नमेंट में और कतरी गवर्नमेंट में क़तर और इंडिया का बहुत अच्छा ताल्लुक है काफ़ी नेचुरल गैस क़तर से इंडिया खरीदती है काफ़ी ट्रेड है तकरीबन नौ लाख इंडियंस क़तर में जॉब्स करते हैं इंडिया के लिए काफ़ी रेमिटेसेंस आते हैं क़तर से और इंडिया के रीजनेबली अच्छे तल्लुत है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जाकर क़तर के शेख से मुलाकात की है इन द पास्ट मेरे ख्याल से पहले टर्म में इंडिया के उतने अच्छे तल्लु नहीं है कतर के साथ जितने सऊदी अरेबिया या यूनाइटेड अरब एमरेट्स के साथ है जो आई टू यू टू में आ, श, आ, इंडिया और यूएई भी साथ साथ हैं और अब एस में भी है लेकिन इंडिया के तलुकत बुरे नहीं थे कभी कतर के साथ सो सो आई थिंक दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस हल हो सकती है एट द डिप्लोमेटिक लेवल लेकिन मैं थोड़ी चीजें ये बताना चाह रहा हूँ जिस तरह से मीडिया रिएक्ट कर रहे कि दे आर एक्टिंग कुछ पता ही नहीं था और अचानक ये खबर आई देखिए ये खबर बहुत पहले आई कई महीनों पहले और अब मैं आपको तीन चार अखबार के क्लिपिंग्स दिखाता हूं जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम जी उन्होंने बार बार बयान दिए हैं इस मसले पर एक बार कहा कि हम इनसे टच में है काउंसलर हमको तो काउंसलर एक्सेस मिल गया है ये बहुत गंभीर मामला है हम उसको सीरियसली ले रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा एक बार मेरे ख्याल से जनवरी में इसी साल के कि हम ख़तर के जो लीगल प्रोसेस है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे वी विल लेट द लीगल प्रोसेस कंटिन्यू तो इस तरह के कई बयान उन्होंने दी हैं सो द पॉइंट इज के इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस केस के बारे में अच्छी सारी खबर थी एंड आई एम श्योर दैट दे जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पर और जो स्टाफ है दे आर फॉलोइंग दिस केस कंटिन्यूसली ये ये कहना कि ये पब्लिक में नहीं है कि भाई अखबार में रिपोर्ट तो नहीं छपते किसी भी केसेस के इंडिया में भी आप जाके देख लें कई केसेस की डिटेल्स आपको कोई नहीं देगा बयान ख़ासतौर से जहाँ जासूसी वगैरह का सवाल है जिसमें मेथड्स इंटेलिजेंस फॉर एग्जांपल ये मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि अगर ख़तरीज ने किसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से इन ये 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 बंदों में और इसराइल के बीच में कम्युनिकेशन को अगर इंटरसेप्ट किया तो वो थोड़ी बताएंगे कि हमको ये मदद पाकिस्तान से मिली या हमको ये मदद ईरान से मिली या मदद हमको ये अमेरिका से मिली दे आर नॉट गोइंग टू शेयर दैट विथ यू बिकॉज उनके वो तल्लुत और वो जो सोर्सेस है वो ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो युग कहना के डिटेल्स पब्लिक में आए शायद कभी नहीं आएंगे ये और बात है कि केस के बाद इंडिया अगर ज्यादा प्रेशर डाली तो फतर मच शेयर दी एविडेंस जो उसके पास है इनके खिलाफ इट्स लाइक अ वेरी सिमिलर टू द कनाडा केस जहां पे इंडिया प्रेशर डाल रही है कनाडा के पास आपके पास जो सबूत है वो पब्लिक में पेश करे और कनाडा सिर्फ कह रहा है कि सबूत है और पेश नहीं किया आ, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें डॉक्टर जयशंकर साहब ने पार्लियामेंट को अश्योर किया कि वो ये केस उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत करीब है और दे आर फॉलोइंग दिस केस वेरी क्लोजली और जल्द ही इन सबको वापस हिंदुस्तान लेकर आया जाएगा सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव केस। आई एम रेफरिंग डिटेंशन ऑफ़ सम कैन ओनली से बिकॉज देयर इंटरेस्ट आई कैन ओनली अश्योर हिम वी बीन Ceased of the matter, we, our ambassador, senior officials, have been uh, in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously uh, to ensure that uh, they are not treated unfairly, uh, and that uh, if they, the sooner we can bring them back home. So uh, I can I assure you that they are very much, very very uh, strongly in our uh, priorities.

वैसे मैं दोबारा कहता हूँ कि इस जजमेंट से परेशान होने की जरूरत नहीं है ये और बात है कि केस और लंबा चलेगा विल बी अपील्स और वो बेचारे जो जेल में हैं सब बाज लोग काफी ओल्ड ओल्डर हैं सिक्स प्लस होंगे रिटायर्ड हैं और उनको जो साइकोलॉजिकल असर हो रहा है उनके ऊपर बिकॉज दे आइसोलेशन में और कन्फाइनमेंट में उनको रखा जा रहा है तो उससे भी आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दो पीपल और जहाँ तक ये ख्याल लोग कह रहे हैं कि एक कस्म से कतर ने यह बदले के तौर पर किया क्योंकि इंडिया ने यू एन जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को सपोर्ट नहीं किया देखिए अब सारी दुनिया में जो मुल्क हैं ख़ास से मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं और अफ्रीका वगैरह ये मुल्क अब रियलाइज कर चुके हैं कि इंडिया कितना भी कह ले इट इज द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ वो सब खोखली बातें हैं अब इंडिया है बिकम ए वेस्टर्न कंट्री और जो अमेरिका जिधर जाएगा इंडिया भी वहीं जाएगा ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी अब आपको ये लफ्ज सुनने में भी नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया के इंटरेस्ट अब वेस्ट के साथ हैं सो इंडिया इज वोटिंग द वे कनाडा वोट द वे बर्तानिया वोट करती है जिस तरह से अमेरिका वोट कर रहा है तो इंडिया इज नॉट एब तो मैं देख रहा था इस वोट में कि इंडिया का जो एब्सटेनिंग का जो वोट था इस रेजोल्यूशन में कि फायर होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन रीजन के लिए उसमें एबस्टेन करें या आप ना कहें इट इज द सेम थिंग तो बेसिकली वो पास तो हो गया विथ हंड्रेड एंड ट्वेंटी वोट्स यानी ग्लोबल साउथ के सारे कंट्रीज एक सौ बीस कंट्रीज ने उसके आप जा, आप देख रहे हैं आ, मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ फोटोग्राफ आप वोटिंग पैटर्न से साफ देख सकते हैं कि मोस्टली यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको या तो इसके खिलाफ वोट डाला है या आ, बेसिकली उसको एबस्टेन किया है चौदह वोट अगेंस्ट फोर्टी 45 तो बेसिकली दुनिया टू इस टू वन में बढ़ गई है 120 सौ uh, मुल्क फेवर में हैं जो सारे के सारे ग्लोबल साउथ के हैं और इंडिया अपने आप को ग्लोबल नॉर्थ के साथ जो 59 या 60 कह लें हैं सीटें फिफ्टी नाइन सीट, है, 59 सीट है, उनके साथ इंडिया हैज़ अलाइंड इट तो आई डोंट थिंक के खतर इज ट्राइंग टू तो पुट प्रेशर क्योंकि और 58 दूसरे मुल्क हैं उन पर भी प्रेशर डालें प्लस ये वोट इधर उधर से कुछ नहीं होता प्लस जनरल असेंबली की जो जो रेजोल्यूशन होते हैं उसका ना तो कोई इम्पैक्ट होता है ना उसका कोई इट डज नॉट हैव फोर्स बिहाइंड इट उससे ना सेंक्शन लग सकते हैं ना कुछ हो सकते हैं तो जस्ट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी के जो मुल्क मुल्कों के पास कोई ताकत नहीं है वो अपनी बात रख सकें और खुश हो घर चले जाएं जाएटलीस्ट हमने कह दिया कि हमारे दिल में क्या बात है उससे ज्यादा कोई आगे नहीं जाता जनरल असेंबली का जहां तक सवाल है तो अब मैं कहना चाहता हूं कि दो तीन चीजें इससे होंगी एक तो एक इवेंचुअली इंडिया विल रीच सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग विद कतर आई होप के पब्लिक इसमें ज्यादा मसले को और पेचीदा ना करे जिस तरह से डिमांड्स आ रहे हैं कि कतर एयरवेज को फ्लाई करने के चांसेस ना दें वगैरह तो अगर नौ लाख इंडियंस की जॉब्स जो, चले जाती हैं तो इट विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम फॉर इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट को ले लें या डॉलर्स की रेमिटेंसेस वगैरह को लेकर सो आई थिंक

यहाँ पर वो सर्व कर लेंगे इंडिया की कोई लो इंटेंसिटी जेल में या होम अरेस्ट भी हो सकता है हाउस अरेस्ट इंडिया में सो दैट इज वॉट इज गोइंग टू हैपन लेकिन इसका एक बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब जो अरब मुल्क हैं गल्फ मुल्क हैं दे माइट हेजिटेट टू हायर इंडियंस इन द सिक्योरिटी अरेना कि भाई इनको हायर करेंगे इंडियंस को तो क्या ये फिर सारी की सारी इसराइल के जासूस बन जाएंगे दैट इज़ ए वेरी सीरियस थिंग और ये सिर्फ ना सिर्फ इंडिया में बट दूसरे मुल्क भी जो है सोचेंगे कि भाई ये वॉट इज़ दिस डील क्या इंडिया इतना ज़्यादा इसराइल का पार्टनर बन रहा है ख़ासतौर से मुस्लिम कंट्रीज के खिलाफ तो इंडिया के जो सिक्योरिटी आई टी वगैरह जो तल्लत हैं कंपनीज वगैरह जो इंडिया मिडल ईस्ट में गल्फ में ख़ास से जो बिजनेस करते हैं इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जो इंडिया के रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल आप देख रहे हैं आप कितने नेवी के एयरफोर्स के वहाँ पे जाके कंसल्टिंग करते हैं तो क्या इनके खिलाफ एक प्रेजडिस कायम हो जाएगा कि वी हैव टू बी केयरफुल के कहीं ये जो है सो इसराइल के जासूस तो नहीं है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दिस हैज़ टू बी डीबंक सो इट इज़ क्रिटिकल इन द लॉन्ग रन इंडिया के लिए कि इंडियन पर्सनल जो हैं ख़ास तौर से सिक्योरिटी एंड फॉर्मर नेवी एयरफोर्स मिलिट्री पर्सनल के ये इनोसेंट साबित हो ताकि ये इल्जाम ना लगे कि भाई इंडियंस पे भरोसा नहीं कर सकते इंडियंस हैव बीन वेरी लॉयल वो जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी काम करते हैं दे आर नॉट ए सिक्योरिटी रिस्क सो दैट इज ओनली प्रॉब्लम इस केस में दूसरी चीज़ ये है कि वी आल्सो हैव टू गो एंड इन्वेस्टिगेट कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था हाँ चंद महीने पहले अल ज़ज़ीरा में एक आर्टिकल छपा था जिसमें आ, उसने जो जो आई डोंट नो वो रिपोर्टर्स जो भी थे वो स्पेकुलेट कर रहे थे कि इन क्या ये जो खेस है इसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या पाकिस्तानी मिलिट्री का भी कुछ मदाखलत है सो समवन नीड्स टू इन्वेस्टिगेट कि क्या क्या ये एविडेंस क्या ये इंटेलिजेंस के कि इंडियन नेवी पीपल और स्पाइंग फॉर इजराइल क्या ये खबर क्या ये पाकिस्तान की तरफ से आई एंड दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग क्योंकि अगर इंडिया को ये कॉन्ट्रैक्ट चले जाते हैं इंडियन कंसल्टिंग एक्स सर्विसमैन तो ये सारे चीजें शायद पाकिस्तान को जा सकते हैं तो दे इज अ फाइनेंशियल एडवांटेज फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसक्रेडिट इंडिया के जो एक्स सर्विस वगैरह में है तो आई थिंक उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था तो वहां पे आई थिंक इंडिया इंडिया की मीडिया तो मैं क्या बताऊं यार इतनी बेकार हो गई है कि बस रट्टे लगाए स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट बड़े बड़े बयान कोई रिपोर्टर नहीं है कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं देखने को मिलती है कोई जाके इंटरव्यूज नहीं कर रहा है, कि क्या हो रहा है आई आई सी नो रिपोर्ट्स क्या खतर जा, इतना महंगी जगह है कि इंडिया के रिपोर्टर्स खतर जाकर वहां पर लोगों से बात करें खतरी गवर्नमेंट से बात करें एम्बेसडर से बात करें हो सके तो कोशिश करें कि ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स Uh, uh, कि क्या कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी है क्या खतरी इसके बाद इतनी कैपेबिलिटीज आ गई हैं इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज के वो खुद से uh, इस तरह के केसेस को हैंडल कर सकते हैं या ये बरतानिया की तरफ से ये है या अमेरिका की तरफ से है या पाकिस्तान की तरफ से दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से आई हैं तो इंडिया के लिए इट्स डिप्लोमेटिक विक्ट्री क्योंकि देन दे कैन सिंपली से कि ये पाकिस्तानियों ने इंडिया के खिलाफ झूठे बातें की हैं एंड सो मोस्ट कंट्रीज इन द मिडल गल्फ विल एक्सेप्ट दैट फैक्ट सो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये ये जो एक एंगल है उसे भी इन्वेस्टिगेट करें तो ये जो है इट इज़ नॉट गुड वन खासतौर से अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज हैविंग प्रॉब्लम इथ मेनी कंट्रीज कैनेडा के साथ भी चल रहा है और के साथ भी चल रहा है और इन इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो पीपल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन दे आर नॉट लुकिंग गुड कनाडा के भी मसले पर अगर आप देख लें अगर इंडिया की भी बात कर लें तो दूसरे मुल्कों को लेकर अरे भाई इंडिया से लाखों टेररिस्ट लाख लाखों सेपरेटिस्ट आ रहे हैं वेस्ट में सेटल हो रहे हैं इट डजन मेक इंडिया लुक गुड ये कहना कि खालिस्तानी हाँ जितना चाहें कह लें खालिस्तानी जो भी है सारे के सारे टेररिस्ट हैं इंडियन डिप्लोमैट्स हैंडल दिस वेरी वेल और हो सके तो इसको ऑल द वे अपर जयशंकर के लेवल पे ले जाए एंड सॉट इट आउट एंड फिनिश इट आउट जल्द से जल्द के ठीक है आपने ये दे दिया अपील कर दें कि इसको और या तो वो छोटी सी सजा देके उनको इंडिया भिजा दें या उनको माफ़ कर दें सो दो दैट इज वॉट आई थिंक वुड बी द बेस्ट रेजोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम सो आप लोगों ने जिन्होंने कॉन्वर्सेशन को ट्यून इन किया है थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग कॉन्वर्सेशन, फॉर वॉचिंग द शो प्लीज अगर आपसे हो सके तो इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें खासतौर से जो परस्पेक्टिव देखने को मिल रहा है यूट्यूब पे और न्यूज़ पर इट इज़ नॉट वेरी इंफॉर्मेटिव सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप लोग कानवर्सेशन को भी अपने दोस्तों के साथ वगैरह शेयर करें और अगर हो सके तो इसे ज्वाइन करके मेंबर भी बन जाएं ज्वाइन करने का बटन बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के बटन के बाजू है मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुख्तर खान अनटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर